हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर सहित 16 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 1 से 3 जुलाई तक हो सकती है भारी बरसात। एडीएम फाइनेंस ने लोगों से किया अपील, पैनिक की नहीं सजग रहने की है जरूरत। कैंट पुलिस ने 7 चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को दबोचा, एसपी सिटी ने किया खुलासा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त ने चारों जिलों से जेई एईएस के बचाव की तैयारियों के लिए जानकारी। एसपी सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए निस्तारण के आदेश। मंडलायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल में संभावित बाढ़ की तैयारियों पर लिया जायजा, बंधों की जांच करके रैनकेट रेंट होल भरने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विपुला दुबे को किया सम्मानित। नगर निगम की निगरानी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, स्थानीय प्रशासन भी रहा मुस्तैद। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया ने ममता शुक्ला को सौंपी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, गोरखपुर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिला को त्वरित न्याय दिलाने को लेकर महिला जन सुनवाई समीक्षा बैठक 4 जुलाई को। शहर के जल जमाव की स्थिति में निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कसी कमर, सकरे नालों का किया जाएगा चौड़ा, पॉलीथीन विक्रेताओं पर होगी कार्यवाही। और एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई आईजीआरएस की बैठक, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश।